हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। आज मैं आप लोगों के साथ चहरी कोकी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे हम सिंधी त्यौहार थदड़ी में बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बेसन, इसे मैंने छान लिया है, और डेढ़ बड़ा चम्मच घी डालेंगे, दो चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, तीन चार प्याज बारीक कटे हुए डालेंगे, लगभग 100 ग्राम हरी धनिया धोकर काटकर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, चहरी कोकी मतलब नमकीन कोकी। वैसे तो चहरी कोकी सबकी प्रिय होगी, परंतु बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं। यह कोकी एक दो दिन स्पॉइल नहीं होती, तो इसे आप लंबे सफर में भी ले जा सकते हैं। अब हमने इसमें हरी मिर्च ग्राइंड करके डाल दिए हैं। इसमें हम लाल मिर्च ऐड नहीं कर रहे हैं, इसका कलर ग्रीनिश और येलोइश अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसमें खसखस भी ऐड कर सकते हैं। घी डालने से हमारा आटा दानेदार हो गया है, इससे हमारी कोकी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। घी के मोयन से, हरी धनिया और प्याज से आटा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो का शेप देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम डो बनाएंगे। इस आटे की कंसिस्टेंसी सेम हमारी पूरी के आटे की जैसी ही बनेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आटा अच्छी तरह से गुथा गया है, अब इसमें घी डालकर इसे चिकना कर लेंगे। घी लगाकर चिकना करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस कोकी को बनाते समय हमें सूखा आटा यूज नहीं करना है, उससे उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, इसीलिए इसे हम प्लास्टिक बैग को कट करके चकले के ऊपर बिछा कर तेल लगाकर इसे बेलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिक बैग बिछाकर उस पर थोड़ा घी लगाएंगे, उसके ऊपर लोई रखेंगे और उसे हल्के हाथों से बेलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। इस कोकी को हम जब बेल रहे हैं, तो चारों तरफ से थोड़ी फटी फटी लग रही है कोकी, तो इसका मतलब हमने आटा बहुत अच्छे से लगाया है, टाइट लगाया है, और वो जो फटे हुए निशान दिख रहे हैं ना, वो अच्छे आटे बने हुए के ही साइन हैं। गैस ऑन करके तवा रखेंगे और उस पर हम कोकी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। चलिए तब तक हम दूसरी कोकी बेल लेते हैं। दोस्तों, कोकी में जो हमने साबुत सूखी धनिया डाला है, वो खाते समय इतना अच्छा टेस्टी लगता है, वो स्वाद तो आप खुद बनाकर खाएंगे तो ही जान पाएंगे। ये कोकी थोड़ी मोटी बेली जाती है, देखिए कितनी मोटी है, इसलिए इसे लो फ्लेम पर सेका जाता है, जिससे वो अंदर से अच्छी तरह से पके और बाहर से क्रिस्पी बने। कोकी को हल्का सेकने के बाद इसे पलट लेंगे और इस पर थोड़ा घी लगाएंगे। इसे पलट कर फिर से दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ थोड़ा घी लगाकर अलटते पलटते कोकी को सेक लेंगे। देखिए कोकी कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है, और कलर तो देखिए कितना प्यारा आया है। इस तरह से बाकी सब कोकियां भी सेक लेंगे। दोस्तों, देखिए कितनी कुरकुरी क्रिस्पी कोकी बनी है,
एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपकी कुकी कैसी बनी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।